तो स्वागत है आरजे जी के महेंद्र यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज जो कि वरिष्ठ अध्यापक जो कि सेकंड ग्रेड के जो कि पेपर हुआ था उसकी जो सेकंड शिफ्ट थी, कौन से शिफ्ट सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था वो दोस्तों हम पेपर सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि उसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों जो कि सेकंड शिफ्ट कौन सी शिफ्ट सेकंड शिफ्ट के अंदर पेपर हुआ था उसका पूरा डिटेल से उसको इसका आंसर देते हैं, उसका पेपर सॉल्यूशन देती है। तो दोस्तों बिना किसी विलंब के चलिए पेपर का प्रथम क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों 26 जून 2023 को वाणिज्य भवन दिल्ली में आयोजित होता क्रेता गौरव सम्मान, इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आप वाणिज्य विभाग द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो दोस्तों उसको जेम एक्सीलेंस पुरस्कार दिया गया, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, जेम एक्सीलेंस इसको दिया गया। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के संबंध कौन सा कथन गलत है, दोस्तों ये देखना है कौन सा। इसमें प्रत्येक परिवार 25 लाख स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करें, बिल्कुल सही है। 1 मई से इसमें स्वास्थ्य बीमा राशि 5 लाख, तो इस योजना के परिवार को 1998 में, दोस्तों ये गलत है। इसमें कौन सा गलत है, तीसरे नंबर का इसमें दोस्तों गलत है, और ये 1 मई 2021 की ये बिल्कुल सही है, तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना 2023 के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही आ जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री जो कामधेनु कौन सा योजना, मुख्यमंत्री जो कामधेनु 2023 के बारे में, तो दोस्तों इसमें हो जाएगा ये 3 नंबर का सही हो जाएगा। कौन सा सही नहीं है दोस्तों, इसमें 3 नंबर का सही नहीं है। एक पशुपालक जिसकी वार्षिक आय 8 लाख से अधिक है, इसमें योजना में प्रत्येक पशु 500 नहीं है दोस्तों, यहाँ पर 200 के स्थान पर यहाँ क्या जाएगा 200 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि जून 2023 में आयोजित आयरन मैन वर्ल्ड चैंपियनशिप में राजस्थान की किस महिला ने 13 घंटे 47 मिनट में 3.8 किलोमीटर जो कि ये देख लेना आप क्वेश्चन पूरी की थी। तो दोस्तों चौथा में आ जाएगा, इसमें जाएगा शिवांगी सारडा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, शिवांगी सारडा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो कि आप अपने चिन्ह लगा लेना, बाद एक क्वेश्चन पढ़ लेना, हाल ही में किस टीम को हराकर राजस्थान की रिबेल्स टीम कमांड ताइकांडो प्रीमियर लीग के पहले चैंपियन बने, तो कौन सा हो जाएगा, दिल्ली वॉरियर्स को हराकर। छठा क्वेश्चन देखते हैं, 2023 में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित महंगाई राहत कैंप में कौन सी योजना सम्मिलित नहीं है, तो दोस्तों कौन सी योजना नहीं है, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना इसके अंदर सम्मिलित नहीं है दोस्तों, ये इसके अंदर नहीं आती दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ओडिशा में हुई आयोजित 13वीं जो कि हॉकी इंडिया के जूनियर जो कि हॉकी प्रतियोगिता थी, भाग लेने राजस्थान की हॉकी टीम की कप्तान कौन बनी थी, राजस्थान की कौन थी, कुशी नागदा थी, कौन थी दोस्तों, कुशी नागदा राजस्थान से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आगे नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों जो कि इसमें 8 निम्नलिखित में किस क्षेत्र में अत्यंत शांत स्थिति रहती है, पवन की क्षैतिज गति का अभाव रहता है, दोस्तों ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का, इसके अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो कि 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के बीच में, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 9वां की विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित देशों के अवरोही क्रम में उनकी कुल संख्या के अनुसमान के अनुसार है, तो दोस्तों ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का, इसमें प्रथम आ जाएगा कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा सी बांग्लादेश, फिर आ जाएगा बी जापान, फर्स्ट आ जाएगा, फिर 2 नंबर, फिर आ जाएगा कौन सा आ जाएगा ये मिस्र, और फिर आ जाएगी यूनाइटेड किंगडम, तो कौन सा आ जाएगा 1 नंबर इसमें आ जाएगा, बी सी बी और डी और ए, 1 नंबर हो जाएगा इसमें। आगे देखेंगे, राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी के उत्तराखंड एजेंस पुनीरा के हाल ही में लखनऊ में आयोजित बैडमिंटन की ऑल इंडिया सब जूनियर में अंडर मिक्स का खिताब जीता, तो दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे इसका उत्तर नहीं मिला, तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा, दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां की गलत युग्म का चुनाव कीजिए, तो दोस्तों सीमावर्ती सागर महासागर गलत युग्म का चुनाव करना, तो बाल्टिक सागर अटलांटिक, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, जो ओखोटस्क है ये अटलांटिक महासागर का नहीं, ऑप्शन 3 हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा इसके अंदर, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। दोस्तों अगर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, ये पूर्णा गिरना और पंजारा किस नदी की शाखाएं हैं, तेज ताप्ती नदी की शाखाएं, कौन सी नदी की, ताप्ती नदी की शाखाएं हो जाएगी। तेंदु पलास बेल खेर किसको सामान्य वृक्ष है, कौन से वनों की हो जाएगी, ये हो जाएगी जो कि आर्द्र, जो कि कौन से हो जाएगी, जो आर्द्र पर्णपाती वन जो कि राजस्थान के दक्षिणी राजस्थान के अंदर ये पाई जाती है, आर्द्र पर्णपाती वन पाई जाती है राजस्थान के दक्षिणी राजस्थान के अंदर, ये तेंदु पलास के ये पाए जाते वन मिलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, इडुक्की जल परियोजना की स्थित है कहाँ स्थित है, दोस्तों इडुक्की जल परियोजना कहाँ स्थित है, दोस्तों इडुक्की हो जाएगा केरल के अंदर, कहाँ स्थित हो जाएगा केरल में, कौन सा सम्मिलित नहीं है, तंदेरा उत्तर प्रदेश के अंदर बिल्कुल सम्मिलित है, काकरापार ये सम्मिलित नहीं, महाराष्ट्र के नहीं है दोस्तों, ये गुजरात के अंदर आ जाएगा, कहाँ जाएगा गुजरात के अंदर ये हो जाएगा, तो दोस्तों 2 नंबर इसमें सम्मिलित नहीं है, कल्पक्कम तमिलनाडु केगा कर्नाटक सही है। दोस्तों काकरापारा कहाँ जाएगा,
ये गुजरात के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लिए अप्रैल नवंबर 2022 के दौरान निम्नलिखित तीन देशों के निर्यात शीर्ष निर्यात गंतव्य थे, कौन था? ये यूएसए, यूई और नीदरलैंड। एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा? यूएसए, यूई, नीदरलैंड। वैश्वीकरण शब्द किसने दिया था दोस्तों? ये वैश्वीकरण किसने दिया था? ये थियोडोर लेविट ने दिया था। किसने? थियोडोर लेविट ने वैश्विक शब्द दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी की बात करें, हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी तो कौन सी हो जाएगी? धौलागिरी। जो धौलागिरी हिमालय की पश्चिमी चोटी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विश्व बैंक द्वारा 2019 के लिए तैयार की गई कारोबार सुगमता रैंकिंग्स में से भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो भारत कौन से स्थान पर हो जाएगा दोस्तों? विश्व बैंक द्वारा जो कि तैयार की गई जो ईओडीबी को सजा जाएगा 63वें स्थान पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान हो जाएगा? पहला स्थान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसमें। आगे देखते अंकटाड की 2022 की जो विश्व निवेश रिपोर्ट अनुसार 2021 से विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग से करने वाली चोटी के 20 मेजबान देशों में भारत का स्थान क्या था? तो भारत सात कौन सा स्थान भारत सातवें स्थान पर रहा था कौन से स्थान पर रहा था भारत सातवें स्थान पर रहा था। तो दोस्तों आगे देखिए कि भारतीय वस्त्र उद्योग के निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही हो जाएगा इसमें? भारतीय वस्त्र निम्न वस्त्र उद्योग भारत के प्रत्यक्ष रूप से करीब 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान, ये बिल्कुल सही है। वस्त्र की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला आधुनिक औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दोस्तों गलत है, तो इसमें केवल एक नंबर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर हो जाएगा, केवल एक सही है। कौन सा? ऑप्शन नंबर एक, नंबर केवल 4, ऑप्शन नंबर एक नहीं है, सही हो जाएगा दोस्तों। भारतीय संविधान के 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया? तो 11वां मौलिक कर्तव्य जो कि कौन सा संविधान संशोधन के भारतीय संविधान में कौन सा 11वां जो मौलिक कर्तव्य, कौन सा मौलिक कर्तव्य जो कि 11वां जो कि मौलिक कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो दोस्तों जो 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 86वां संविधान संशोधन अमेंडमेंट हुआ था 2002 के अंदर, तो इसके अंदर ये जोड़ा गया था। उच्चतम न्यायालय में निःशुल्क शिक्षा के लिए अधिकार निम्नलिखित में से किस अधिकार का हिस्सा बनाएगा? तो निःशुल्क शिक्षा को तो जीवन का अधिकार, किससे? अनुच्छेद 21A के अंदर इसको जीवन का अधिकार बनाया गया, तो इसमें एक नंबर ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की स्थापना की गई और कुछ प्रांतों में प्रतिनिधि सभा के सदस्य नहीं रहे, लेकिन विधानसभा की कुल सदस्यता कम हो गई, तो इसमें कितने इसलिए विधानसभा कुल सदस्यता कम हो गई, तो इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसमें 299 कितने सदस्य रहे थे? 299 इसमें सदस्य रहे थे। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय संविधान परिषद में कितने सदस्यों की नियुक्ति की जानी है? कितने सदस्यों की नियुक्ति की जानी है दोस्तों? इसके अंदर दो समितियां जिसमें कि एक में 145 सदस्य थे कितने और एक में कितने थे 60, तो इसमें तो दोनों ऑप्शन नहीं, तो दोस्तों इसमें क्या RPSC द्वारा क्या उत्तर माना जाता है और आपका मानते कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका उत्तर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो दोनों में से इसमें कोई भी उत्तर नहीं है दोस्तों। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत में संघ और प्रांतीय स्वायत्त शुरुआत की हुई थी? कौन सी हुई थी? भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ये हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे कि जो कि किस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति किसके पास होती है? किसी क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति किसके पास होती है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, राष्ट्रपति के पास होती है। किसके पास? राष्ट्रपति की। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो दोस्तों इसमें मंत्रियों की नियुक्ति अनुच्छेद 75(1), इस व्यक्ति की जिम्मेदारी अनुच्छेद 75(2), तो कौन सा हो जाएगा इसमें 75 ये हो जाएगा 3 नंबर। किसी मंत्री को पद की शपथ 75(5) के तहत नहीं 75(4) के तहत दी जाती थी, ऑप्शन नंबर 3 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से आगे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? फिर दोस्तों ये सही नहीं वाले ऑप्शन आ रहे हैं, इसमें समान नागरिक संहिता ऑप्शन नंबर 4 सही है, प्रबंधन श्रमिकों के लिए भागीदारी दोस्तों ये गलत है, इसमें 43A आ जाएगा, क्या जाएगा 43A, तो ये गलत हो जाएगा। ग्राम पंचायत 40 सही है, प्रत्यक्षण ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कौन सा जाएगा, भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करता है? तो अनुच्छेद 51 करता है, कौन सा करता है? अनुच्छेद 51 करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस करते हैं। विश्व मामलों की भारतीय परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों किस वर्ष 1943 के अंदर हुई थी, ऑप्शन नंबर 1 नंबर हो जाएगा। शीत युद्धोत्तर विश्व किसके सभ्यताओं का टकराव का विचार दिया था? किसने इसके टकराव का विचार दिया था? सैमुअल पी हंटिंगटन, ऑप्शन नंबर 2 नंबर इसके अंदर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी पी सूची को इसमें नहीं सम्मिलित करें? तो सम्मिलित करना दोस्तों इसके अंदर सम्मिलित करना है, तो कौन सा सम्मिलित करना है? तो दोस्तों क्या आ जाएगा इसके अंदर FIDMD के
इसके अंदर आ जाएगा, ये कबूतर एक नंबर का हो जाएगा दो नंबर के साथ, किसमें एक नंबर दो नंबर, बी जे डी आ जाएगा एक में 1997, INLD 1999 और AC इसमें आ जाएगा 1992। तो बी एक में दो नंबर, एक में दो नंबर किसमें, इसमें और इसमें दो और चार में, तो इसमें और इसमें BJD दो में एक नंबर, किसमें दो में एक नंबर, तो ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जो कि स्वतंत्रता से पहले दिल्ली में एशियाई संबंध सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों, कब हुआ था, तो 23 मार्च 1947 को हुआ था, कब हुआ था, 23 मार्च 1947 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान के दोस्तों साइकोलॉजी के क्वेश्चन आ गए दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान है, क्या शिक्षा मनोविज्ञान सकारात्मक विज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान की इस प्रकृति के निम्नलिखित कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है, ये तथ्यों के जैसे ये तथ्य को जैसे वे कार्य करती उसी तरह लेती, ये तथ्य को तर्क और नैतिकता की दृष्टि से लेती उन्हें ये बालक व्यवहार को, तो इसमें तथ्यों को जैसे उसी तरह, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं लेती दोस्तों, चार नंबर इसके अंदर उसी तरह नहीं लेती है, सेम टू सेम। निम्नलिखित में कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सही नहीं है, तो दोस्तों कौन सा कथन सही नहीं हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा एक नंबर से हो जाएगी शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा की वह शाखा जो शिक्षण केवल जहाँ भी आ जाएगा साइकोलॉजी वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, कौन सा केवल, तो किसमें हो जाएगा, केवल जहाँ भी आ जाएगा वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसके अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें सोवियत संघ में ग्लास्टो नको पेरिस्ट्राइका प्रक्रियाओं का संबंध किसने, तो मिखाइल गोरबाचेव, कौन सा था, एक नंबर मिखाइल गोरबाचेव। निम्नलिखित कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसमें हो जाएगा ये HMC, ये भारतीय जनता पार्टी का संबंध इससे नहीं, HMC हिंदुस्तान मजदूर यूनिट संघ का संबंध किससे, ये समाजवादी पार्टी से, किसे समाजवादी पार्टी से इसका संबंध आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ब्रोन फेन बेंदर के अनुसार इसमें कौन सा संगीत साथी विद्यालय पड़ोस कौन सा जाएगा, सूक्ष्म का माइक्रो सिस्टम इसका हो जाएगा। बालक की भाषा का विकास जन्म के समय रोने की साधारण क्रिया से प्रारंभ होता है, तो फिर इसमें वेदीकरण प्रारंभ हो जाता है, तो बालक क्रम से इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कि जो कि बालक के विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है, कौन सा हो जाएगा, एक नंबर हो जाएगा, विशिष्ट सामान्य की अग्रसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अनौपचारिक वार्तालाप और औपचारिक स्कूलिंग शिक्षा दोनों के संबंध में क्या था, इसमें औपचारिक स्कूली शिक्षा दोनों के लिए वयस्क बालकों को उन तक तरीकों से पहुंचनी चाहिए, तो इसमें कौन सी हो जाएगा, इसने किसने दिया था, ये लेव वाइगोत्स्की से संबंधित था, लेव वाइगोत्स्की ने इसका ये दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें जो मार्ग निर्मितवादी अधिगम के लिए निम्नलिखित में कौन सी उपयुक्त परिस्थिति है, निर्मितवादी अधिगम के लिए, निर्मितवादी कंस्ट्रक्टिविस्ट के लिए कौन सी है, तो इसमें जाएगा तो अधिगम के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं, अधिगम बिल्कुल सही है, अर्थपूर्ण कार्य का निर्माण बिल्कुल, ज्ञान का सक्रिय सर्जन बिल्कुल, सामाजिक अंतक्रिया सुगम बनाता, इसमें सारे आ जाएंगे, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर दो नंबर हो जाएगा, इसमें ABCD वे दोनों हो जाएगा सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें 45 अधिगम के निर्धारक के नीचे दिए गए हैं, तो कौन सा हो जाएगा, अधिगम के निर्धारक अभिप्रेरणा की प्रकृति होती है, अभिप्रेरणा का प्रभाव होता है, विन्यास का प्रभाव, इसमें कौन सा हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा ये भी होता है और अभ्यास भी होता है, तो कौन सा हो जाएगा, चारों ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएंगे, तो कौन सा हो जाएगा, इसमें ABCD ऑप्शन नंबर तीन हो जाएगा, ABCD ऑप्शन नंबर तीन हो जाएगा। व्यक्तित्व आकलन प्रक्षेपी प्रविधियों के निम्नलिखित कौन सी विशेषता नहीं है, तो कौन सी विशेषता नहीं हो जाएगी, प्रक्षेपी चैतन्य अभिक्रिया हो जाएगी दोस्तों। आगे पर्यावरणीय आवश्यकता के अनुरूप व्यवहार करना क्या कहलाता है दोस्तों, समायोजन और पर्यावरणीय आवश्यकता के अनुसार व्यवहार करते समायोजन कहते हैं। अवलोकनात्मक अधिगम का प्रक्रियाओं का सही क्रम क्या था, पहले अटेंशन रिटेंशन फिर रिप्रोडक्शन फिर इसमें अभिप्रेरणात्मक लास्ट में आ जाएगा, तो इसमें एक नंबर अवधान धारण उत्पादन अभिप्रेरणात्मक ही हो जाएगा, अटेंशन रिटेंशन रिप्रेजेंटेशन और फिर पुनर्बलन मिल जाएगा फिर लास्ट में। मिस्टर अमित की उपलब्धि की चेष्टा है कि और व्यक्तित्व की प्रकृति लक्षणों का इसमें कौन सा स्रोत हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये इस किसे कहेंगे, ये प्रधान कौन सा कारक हो जाएगा, प्रधान कार्डियल कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि बाकर मेहंदी की जो संरचनात्मक परीक्षण में सम्मिलित नहीं है, तो संरचनात्मक है कौन सा, चार शाब्दिक और तीन अशाब्दिक उप परीक्षण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीन हो जाएगा, चार शाब्दिक और तीन अशाब्दिक। निम्नलिखित में कौन सा जैविक प्रेरक नहीं है, जैविक प्रेरक देखिए दोस्तों, इसमें प्यास अंतर्नोद प्यास लैंगिक भूख ये जैविक ये मनोवैज्ञानिक जिज्ञासा नहीं है दोस्तों, ये मनोवैज्ञानिक है। मेस्लोक सिद्धांत में अभिकल्पित उच्चतम आवश्यकता किसकी होती, उच्चतम आवश्यकता आत्मसिद्धि की आवश्यकता उच्चतम होती है। थर्नडाइक के बहुकारक सिद्धांत के अनुसार गुणधर्म किसी एक कार्य की कठिनाई को संदर्भित करता है, वह व्यक्ति हल कर सकता है, उसे क्या कहते हैं, उसे स्तर कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे स्तर कहलाता है। निम्नलिखित में कौन सा गार्डन की जो बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रकार नहीं है, तो बहुबुद्धि किसका नहीं है, तरल बुद्धि नहीं है, तरल बुद्धि किसकी, RB कैटल का, किसके, RB कैटल का तरल बुद्धि सिद्धांत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
लोग अपना वोट मत प्राय अपनी भावना के अनुसार करते हैं, बजाय इसके उम्मीदवार की अपनी विशिष्ट इसमें विशिष्ट नीतियों की इसमें कौन सा घटक हो जाएगा, तो कौन सा इसके अंदर घटक हो जाएगा, भावात्मक घटक हो जाएगा, अपनी भावना के अनुसार काम करते हैं, अपने को दूसरे लोगों के साथ संबंधों के रूप में परिभाषित करने का तरीका और पहचानना कि स्वयं अपना व्यवहार प्राय दूसरों के विचारों भावना प्रक्रियाओं द्वारा निर्धारित हो रहा है। यह प्रत्येक के दृष्टिकोण कौन सा दृष्टिकोण कहलाता है, ये आत्मनिर्भर बना रहा है खुद को, क्या कहलाता है, आत्मनिर्भर कहलाता है। विद्यार्थी जो तो विद्यार्थी को नई विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में सरल पदों में जो पूर्व में जानता है उससे संबंधित विरचना निम्नलिखित किससे संबंधित है, कौन सा हो जाएगा, तो इसमें कौन से किससे संबंधित हो जाएगा, तो इसमें ये हो जाएगा धीमी गति से जो कि धीम करता है उससे संबंधित हो जाएगा, इसके अंदर ये हो जाएगा, दो नंबर ऑप्शन हो जाएगा उत्तर सही। प्रतिभाशाली बालकों निम्न कौन सा विशेषता लागू नहीं होती, तो प्रतिभाशाली के बालक क्या होते हैं, अनभिज्ञ नहीं होते, पूरे जानकार होते हैं, पूरे अनभिज्ञ नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों की वह कौन सी नदी जो अरावली के पश्चिम, राजस्थान जीके के क्वेश्चन आ गए दोस्तों, इसके अंदर राजस्थान जीके के क्वेश्चन वे कौन सी नदी जो अरावली के पश्चिम से ढालों से निकलकर, क्या कहें, पश्चिम ढालों से निकलकर सिरोही के कुछ क्षेत्रों में कच्छ के काले विलीन हो जाती है, तो पश्चिम बनास हो जाएगा। वन रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार प्रशासनिक की जो 31-3-2022 तक कुल वन क्षेत्र कितना था, 32,864.62 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों राजस्थान के उत्पादक अलसी किसमें आड़ोती के अंदर पाई जाती है, तो कोटाबूंदी बारा झालावाड़, इसके अंदर तीन ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में इसकी विचार कीजिए कि नीचे दिए कोड के अनुसार स्तूप का चयन कीजिए, नीचे करना है कि अनुप्रस्थ बालुका स्तूप चूरू झुंझुनू के जिलों में मिलते, बिल्कुल सही है, अवरोधी बालुका स्तूप पुष्कर क्षेत्र जो पुष्कर क्षेत्र के अंदर भी मिलते हैं, बिल्कुल बालू स्तूप आए जाते, जोधपुर जिला बालुका स्तूप मुक्त नहीं है दोस्तों, बालुका स्तूप युक्त है, पूरा बालुका स्तूप मुक्त नहीं है, इसमें तो कौन सा हो जाएगा, ए व बी सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर दो नंबर हो जाएगा, ए व बी हो जाएगा इसमें। मेवात डांग निम्नलिखित में कौन से कोपेन के जलवायु के अनुसार आता है, डांग प्रदेश किसमें आता है, CWG इसमें आ जाएगा, गंगा का मैदान आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कोलवी कंदरा बौद्ध गुफाएं चांदखेड़ी जैन धार्मिक स्थल किस जिले से संबंधित है, तो बौद्ध कोलवी गुफाएं कहां, झालावाड़ के अंदर हो जाएगी। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों में सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, सबसे कम जैसलमेर, फिर हो जाएगा इसके अंदर बीकानेर पाली और आगे देखते हैं कि इसमें जैसलमेर बीकानेर चूरू, तो पाली का नहीं है दोस्तों, जैसलमेर बीकानेर फिर बाड़मेर आना चाहिए, बाड़मेर ऑप्शन में नहीं तो आ जाएगा चूरू, आ जाएगा ऑप्शन नंबर चार हो जाएगा। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित करना, भेड़ क्या सूची फर्स्ट और सूची जो कि सेकंड को सम्मिलित करना है दोस्तों, इसके अंदर क्या करना है, सुमेलित करना, तो भेड़ क्या हो जाएगा, भेड़ नाली, भेड़ की नस्ल कौन सी हो जाएगी, भेड़ की नाली नस्ल हो जाएगी, कौन सी नाली, तो इसमें हो जाएगा एक में दो नंबर हो जाएगा, तो एक में दो नंबर और इसमें एक फिर दो में चार गोवंश के साथ चोरी गोवंश आ जाएगा। भैंस की नस्ल कौन सी हो जाएगी, भैंस से क्या हो जाएगी, सुरती हो जाएगी और सुरती, और जो बकरी क्या हो जाएगी, बरबरी नस्ल हो जाएगी, तो कौन सा उत्तर हो जाएगा, इसमें दो नंबर उत्तर हो जाएगा, इसमें दो नंबर उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में राजस्थान निम्नलिखित में कौन सा जिला प्लास्टिक केंद्र हब बनने जा रहा था, प्लास्टिक केंद्र अलवर के भिवाड़ी अलवर जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्लास्टिक का केंद्र माना जाता है। गिलुंड और भगवानपुरा की सभ्यता से संबंधित गिलुंड और भगवानपुरा, गिलुंड कहाँ से संबंधित, राजसमंद के अंदर, कौन सी सभ्यता आहाड़ केंद्र हो जाएगी। पुरातत्व नील रत्न बनर्जी कैलाशनाथ दीक्षित निम्नलिखित किस पुरातत्व संबंधित है, तो बेराट से हो जाएगा, किसे बेराट से। गटियाला शिलालेख का संबंध किससे आता है, गटियाला शिलालेख कुक्कुक से संबंधित आता है, किसे, गटियाला शिलालेख का संबंध कुक्कुक से आता है। अजमेर का पहला चौहान शासक जिसने अपने नाम के सिक्के जारी किए थे, अजयराज चौहान ने अपने नाम के सिक्के जारी किए थे। अलाउद्दीन खिलजी की राजपूत विजयों के सही अनुसार हो जाएगा, चित्तौड़ विजय हो जाएगा 1303 में, कब आ जाएगा 1303 में, रणथंबोर हो जाएगा 1301 के अंदर, जालौर हो जाएगा 1311 के अंदर और सिसवाड़ हो जाएगा 1308 के अंदर। दोस्तों इसके अंदर थोड़ा सा विवाद है कि दोस्तों प्रथम हो जाएगा 1301 के अंदर, दो नंबर पहले जाएगा, दो नंबर इसमें, ये दोनों तो कट गए, दोनों कट गए, चित्तौड़ नंबर दूसरे एक नंबर पर आ जाएगा, फिर बाद में चित्तौड़ 1303 तो इसमें हो जाएगा ये एक नंबर, इसमें एक नंबर कौन से, ऑप्शन नंबर यही सही होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा इसमें गलती है कि इसमें तीन नंबर पर क्या आना चाहिए, सिवन आना चाहिए क्योंकि 1303 में हुआ था, लेकिन तीन ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पर जालौर विजय दिखा रहा है जो कि 4 नंबर पर आना चाहिए। दोस्तों यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, लेकिन यहाँ पर मिस्टेक भी क्वेश्चन यही माना जाएगा, क्यों माना जाएगा, क्योंकि जालौर जो कि पर आक्रमण जो कि गुजरात की सेना गई थी, अलाउद्दीन की खिलजी की जो कि गुजरात के अंदर गई थी उस समय, जो कि जालौर के और इसमें छोटी सी झड़प हुई थी, ज़्यादा युद्ध नहीं कर सकते, छोटी सी जालौर और सेना और जो कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना दोनों के मध्य झड़प हुई थी, कौन सी थी झड़प, उसके बाद में जो कि समझौता हुआ था जो कि कानड़ देव चौहान तो जो कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में गया था और फिर बाद में लास्ट का आक्रमण उसने बाद में किया था फिर जाके प्रेम में, तो प्रथम जो कि सिवाना से पहले भी एक बार जालौर के अंदर झड़प हुई थी, तो हो सकता है उस हिसाब से, तो दोस्तों इसके अंदर माना ऑप्शन नंबर दो ही सही जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कौन से जिलों 75% से अधिक साक्षरता है? तो कोटा और जयपुर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे माना जाता है? गणेश्वर को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी किसे, ताम्रयुगीन सभ्यता की बात करिए तो किसे कहा जाता है? लुंड को कहा जाता है ताम्रयुगीन सभ्यता, लेकिन ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? गणेश्वर सीकर के अंदर हो जाएगी। हमें भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता सेनानियों के अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिन्हें भारत की स्वतंत्रता के अपने पुत्रों का बलिदान कर दिया था, किंतु इसमें केजरी सिंह भारत का एकमात्र ऐसा उदाहरण मिलता है जिन्होंने अपने पुत्र के साथ साथ दामाद को भी मातृभूमि की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बलिदान कर दिया। किसने कहा था? रास बिहारी बोस ने कहा था। किसने कहा था? रास बिहारी बोस ने ये कहा था। मेवाड़ प्रजामंडल की अध्यक्षता किसने की थी? तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना तो माणिकलाल वर्मा ने की थी, लेकिन अध्यक्षता किसने की थी? बलवंत सिंह मेहता ने इसकी अध्यक्षता की थी। मेव कृषक आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? यासीन खान थे। खानवा के युद्ध में किसने राणा सांगा के पक्ष बदलकर बाबर का साथ दिया था? सलद्दी तवारी से विश्वासघाती कहते हैं इसने राणा सांगा का साथ बदलकर इसमें बाबर का साथ हो गया था। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने कहा था कि तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी? तो इसने कहा था कि मेजर सावर्स ने कहा था कि जो कि आपने तात्या टोपे की सज़ा दी है, तो आपको इतिहास सवाल पूछेगा कि आपने किस आधार पर तात्या टोपे को सजा दी है। तो इस प्रकार कैप्टन सावर्स इसके अंदर 3 नंबर सही हो जाएगा। बीकानेर के निकट सम्राट स्थल किसका ज़्यादा? जाम्बोजी का सम्राट स्थल बीकानेर के अंदर आ जाएगा। निम्नलिखित कौन सा मंदिर स्थापत्य कला मारू गुर्जर शैली का? तो कौन सा हो जाएगा? मारू गुर्जर शैली का, जो कि समुद्धेश्वर मंदिर। कौन सा? समुद्धेश्वर मंदिर हो जाएगा। कौन सा मंदिर हो जाएगा? समुद्धेश्वर मंदिर कहाँ हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। समुद्धेश्वर मंदिर की बात करिए तो दोस्तों ये इसका निर्माण किसने कराया था? भोज परमार ने करवाया था। किसने करवाया था? भोज परमार ने इसका निर्माण करवाया था, बाद में मुकल ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था, इसलिए मुकल जी का मंदिर भी कहते हैं। कलाकार निहाल चंद कौन सा? मोरधर निहाल चंद किशनगढ़ चित्रशैली से आता। सावन सिंह बनीठनी राजस्थान। त्योहारों की तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर अंतिम त्यौहार गणगौर हो जाएगा। सिरोही राज्य का पूर्ण विलय कब हुआ था? दोस्तों 1 नवंबर 1956, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तिलवाड़ा में निम्नलिखित तिलवाड़ा मल्ली नाथ जी महाराज आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अहिरवाटी जो राठ क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? मेवात के अंदर हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम तो राजप्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया? तो 7वें संविधान संशोधन 1956 कब हुआ था? 7वें संविधान संशोधन 1956 नंबर 2 आ जाएगा। इसके अंदर राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की मंजूरी आवश्यक है। किसकी अध्यादेश की मंजूरी आवश्यक है? तो राजस्थान विधानमंडल। कौन सा इसके अंदर कौन सा जगह? राजस्थान विधानमंडल की आवश्यक है। आपातकाल के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? आपातकाल के समय जो आपातकाल लगा था उस समय, आपातकाल कब लगा था? 1962 में, जो कि चीन युद्ध हुआ था उसके समय कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकाल खंगा एक प्रकार का? दोस्तों मुझे ये क्वेश्चन नहीं मिला दोस्तों, आपको बताना कि इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि खंगा क्या है एक प्रकार का। दोस्तों इसमें मुझे नहीं मिला। गौरी क्या? गौरी भीलों की जनजाति का नृत्य। गेर इसमें गौरी ने गेर को हार दिया तो युद्ध हो गया, इस प्रकार ट्री के गौरी भील जनजाति का नृत्य हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा राजस्थान मानवाधिकार के संबंध में गलत हो जाएगा? तो इसमें अध्यक्ष समिति 3 सदस्य सही है। राजस्थान सरकार द्वारा गठन की अधिसूचना 1999 सही है। ये स्वायत्त संस्था नहीं है, ये गलत है दोस्तों, ये स्वायत्त संस्था है, 3 नंबर हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य सचिव थे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिसंबर 2018 में सत्ता में थे, उसमें कौन थे मुख्य सचिव थे? तो डीवी गुप्ता थे, देवेंद्र कुमार भूषण गुप्ता, डीवी गुप्ता इनका नाम आता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? चयन कीजिए दोस्तों, कौन सा कथन सही हो जाएगा इसमें राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में? तो इसमें राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यादेश 20 अगस्त 1949 का प्रभाव है, बिल्कुल सही बात। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को, बिल्कुल सही बात। जयपुर जोधपुर बीकानेर में लोक सेवा आयोग की स्थापना 16 अगस्त 1949 को, बिल्कुल तीनों इसके अंदर सही आ जाएगा। तो ABC इसके अंदर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 3 नंबर ABC इसके अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान किन वर्षों में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? सबसे पहले होता 1967 में, फिर हुआ था दोस्तों 1967 में, 1977 में, फिर 1992 में, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा के लिए पहले आम चुनाव में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल की सर्वाधिक, कांग्रेस के बाद सिर्फ RRP हो जाएगा, RRP राम राज्य परिषद हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। लेकिन हाल में किस राज्य में राज्यसभा सदस्य को राजस्थान की राज्य स्तरीय जन अभियोग निराकरण समिति के सदस्य मनोनीत किया है? नीरज डांगी को। किसे? नीरज डांगी को हो जाएगा। वर्ष 2023 में राजस्थान मुख्यमंत्री राज्य के कितने शहरों को ग्रीन लंग्स के करने की घोषणा की है? तो ग्रीन लंग्स के कितने शहरों को? तो 13 शहरों को, कितने? 13, 1 नंबर इसके अंदर हो जाएगा। पंचायती राज विभाग द्वारा राजस्थान के प्रत्येक जिले में औसतन कितनी ग्राम पंचायतें? 343 ग्राम पंचायतें औसतन आती है। 11वीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए विषयों की संख्या कितनी हो जाएगी? 11 से 29 विषय इसके अंदर सम्मिलित किए गए। तो दोस्तों आई होप वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो की सूचना आप तक मिलती रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।